So let's look at the next lecture, Lecture Six, and this deals with balanced and unbalanced forces. तो ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है ये समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स और रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स का मतलब क्या है ठीक है तो सपोज एक बॉडी है ओके okay. बैठा हुआ है टेबल ओके टेबल जमीन पे बैठा हुआ है ये जमीन है दिस इज द फ्लोर एंड दिस इज द टेबल टेबल इज केप्ट ऑन द फ्लोर ओके तो अगर मैं यहां से पुश कर रहा हूँ पुल कर रहा हूँ समझ लो मैंने धागा लाया उसको पुल कर रहा हूं अगर हल्क आता है और वो यहां से पुल करता है लेफ्ट से कौन पुल कर रहा हल्क राइट right से कौन पुल कर रहा मैं या यू तो हल्क जो पुल करेगा वो फोर्स है समझ लो एफ एच एफ एच फॉर फोर्स ऑफ हल्क जो मैं पुल कर रहा हूं वो है एफ वाई फोर्स ड्यू टू यू ओके तो ये टेबल किस डिरेक्शन में मूव होगा लेफ्ट साइड में मूव होगा टुवर्ड्स हल्क क्यों क्योंकि हल्क का फोर्स ज्यादा है लेकिन कितना फोर्स अप्लाई होगा टेबल पे तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द टेबल इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू हल्क माइनस फोर्स ड्यू टू यू मतलब जिस डिरेक्शन में टेबल मूव हो रहा है उस डिर में कोई तो रिजल्टेंट फोर्स है तो सपोज हल्क का फोर्स है पचास न्यूटन और मैंने लगाया सपोज चार न्यूटन या फिर आपने माइनस चार्स न्यूटन तो क्या होगा? पचास चार, 46 newtons, और ये फोर्टी सिक्स न्यूटन फोर्स की वजह से टेबल मूव करेगा पचास न्यूटन फोर्स की वजह से नहीं मूव करेगा पचास न्यूटन फोर्स की वजह से टेबल कब मूव करेगा वेन देर इज नो बडी एल्स अप्लाइंग द फोर्स इन अपोजिट डिरेक्शन तो ये देखा कि एफ वाई और एफ एच आर इन अपोजिट डिरेक्शंस एफ एच एंड एफ वाई आर इन अपोजिट डिरेक्शंस अपोजिट मतलब अपोजिट डिरेक्शन मतलब एफ वाई इज अलोंग दॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एफ एच इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस ओके okay. फाइन तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स रिजल्टेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या जिस डिरेक्शन में बॉडी मूव हो रहा है उस डिरेक्शन बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है अगर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बॉडी पे अगर बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो जिस डिरेक्शन में बॉडी मूव हो रहा है उस डिरेक्शन में बॉडी पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है एक्ट हो रहा है रिजल्टेंट फोर्स बॉडी इस डिरेक्शन में मूव हो रहा है ये अपने को पता है हल्क खींच रहा है तो ऑब्वियसली के के उसके पचास न्यूटन में से चार न्यूटन तो मुझे रोकने के लिए लग गए मेरा जो फोर्स था चार न्यूटन का वो पचास न्यूटन के में था इसलिए हल्क ने अगर पचास न्यूटन लगाए फिर भी उसका जो मूवमेंट था वो केवल फोर्टी सिक्स न्यूटन के फोर्स से ही हुआ तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होता है जिस डिरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उस डिरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स क्या है वो देखेंगे आप okay? ओके तो नाउ लेट्स लुक एट बैलेंसड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स ओके बैलेंस्ड फोर्स When the resultant of the applied forces on the body is zero, then those forces सेट टू बी बैलेंस्ड क्या है इसका मतलब देखो ये बॉडी है इस बॉडी पे इस बॉडी को ग्राउंड पे रखा हुआ है मैंने ठीक है तो राइट right साइड में मैं लगा रहा हूं फोर्स राइट right. और इसका वैल्यू है चार न्यूटन ठीक है और लेफ्ट साइड में कोई और खींचने की कोशिश कर रहा है इसको एफ उसका भी वैल्यू है चार न्यूटन तो बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है दोनों का डिफरेंस फोर माइनस फोर जीरो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ एल विच इज फोर माइनस फोर विच इज जीरो न्यूटन therefore body does not move therefore body does not move therefore forces are balanced forces अगर body move करेगा तो unbalanced force अगर body move नहीं करेगा तो balanced force okay इसका example देखते हैं अभी एग्जाम्पल इन रियल लाइफ टक ऑफ वॉर ऐसे रस्सी होती है यहां पे है सपोज टीम राइट यहां पे है सपोज टीम लेफ्ट ओके टीम राइट ने फोर्स अप्लाई किया एफ आर टू द राइट टीम लेफ्ट ने फोर्स अप्लाई किया एफ एल टू द लेफ्ट ओके तो अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर देन रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो ओके

फोर्स लगाएगा वो दूसरे टीम के फोर्स से काफी ज्यादा होगा एंड द दैट टीम जिसमें हल्के वो जीत जाएगी ठीक है फाइन तो जो बैलेंस्ड फोर्सेस है दे डू नॉट कॉज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से जब एक बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता ठीक है देन बैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्वल इन

मूविंग और स्टेशनरी यह चेंज नहीं होगा लेकिन चेंज क्या होगा बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने से चेंज क्या होगा बैलेंस्ड फोर्सेस में चेंज द शेप एंड साइज ओके okay? तो एग्जांपल बलून का ले लो अगर बलून को मैंने दोनों साइड से पुल किया फोर्स ऑन बलून फ्रॉम राइट फोर्स ऑन बलून फ्रॉम लेफ्ट तो बलून का क्या पक्का चेंज होगा शेप तो चेंज होगा ही साइज भी चेंज होगा ओके okay? तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में अभी देखते हैं व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स तो बैलेंस फोर्सेस में क्या है कि दो फोर्सेस है ज्यादा है वो अपोजिट डिरेक्शन में एक्ट करेंगे उनका रिजल्टेंट जीरो है रिजल्टेंट मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है डिरेक्शन अपोजिट है इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ओके okay? तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है वेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ Say two forces applied on the object is greater than zero, then these forces are called. अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या कहते हैं ऐसे फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्सेस ओके तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से क्या फायदा है ठीक है ना जैसे अभी हमने देखा हल्क का एग्जांपल कि अगर सपोज टग ऑफ वॉर चल रहा है ये टीम राइट है ये टीम लेफ्ट है तो इस टीम में हल्क है ये यहां पे खींचेगा ये फोर्स ऑफ राइट है ये फोर्स टूअर्ड्स लेफ्ट है फोर्स टूअर्ड्स लेफ्ट है तो फोर्स राइट माइनस फोर्स लेफ्ट विल बी ग्रेटर देन जीरो क्यों फोर्स राइट ज्यादा है सपोज वो दस न्यूटन है फोर्स लेफ्ट दो न्यूटन है तो दोनों का डिफरेंस कितना है? दस माइनस दो आठ न्यूटन तो आठ न्यूटन जीरो से ज्यादा है तो रोक किस तरफ मूव करेगा एच की तरफ हल्क की तरफ तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया ओके Fine though an object at rest can be moved by applying unbalanced forces. तो इसका यूज कहां पे होता है अनबैलेंस्ड फोर्स का फर्स्ट यूज या एप्लीकेशन एप्लीकेशन बोलो यूज बोलो टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ये कॉमन सेंस है अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है ठीक है सपोज ये है ये ऑब्जेक्ट है टेबल है ये स्टेशनरी है यहां पे एक फोर्स लग रहा है फोर्स राइट right. यहां पे एक फोर्स लग रहा है फोर्स लेफ्ट अगर दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा वो मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को रिजल्टेंट जीरो होगा लेकिन अगर एफ आर एफ एल से बड़ा है तो बॉडी एफ आर की तरफ मूव करेगा ओके टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज द स्पीड टू इंक्रीज द स्पीड Of a moving object, third, to decrease the speed of a moving object, fourth, to stop. A moving object and fifth to change the size and shape of an object. तो ये सारी चीजें जो फोर्स की वजह से होती है ये केवल अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही होंगी बैलेंस्ड फोर्स की वजह से कुछ भी नहीं होगा दिस इज रूल रूल क्या है कि अगर कुछ भी करना है और फोर्स का इफेक्ट देखना है तो वो फोर्स कैसे होना चाहिए अनबैलेंस्ड फोर्स अगर वो बैलेंस्ड फोर्स होगा तो बॉडी पे कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा लेकिन होगा क्या इफेक्ट होगा इट कैन चेंज द साइज और शेप बस उतना ही इफेक्ट होगा ओके okay? So we'll stop here and we'll continue in the next lecture.